अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज है संडे और मैं नाश्ते में बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी, इजी और नो कुक रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना लबने। अब लबने क्या होता है? लबने बेसिकली थिक योगर्ट होता है जिसको हम घर में भी इजीली बना सकते हैं। आपने क्या करना है, दही लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, उसको मिक्स करके किसी कपड़े में डाल के उसको छान लेना है और उसको बस 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। उसका पूरा पानी निकल जाएगा और फिर दूसरे दिन जो आपको मिलेगा थिक योगर्ट, वो होगा आपका लबने। उसको मिक्स करके लबने रेडी हो जाएगा। मैं तो रेडीमेड लेके आई थी। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। ये है हाफ के जी लबने, जिसके अंदर मैंने 3/4 कप ऑलिव ऑयल ऐड किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा नमक कम था इसलिए मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप आपके टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं नमक। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, पूरा ऑयल अब्ज़ॉर्ब हो गया है इसमें। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ टेक्सचर आया है ना इसका, इसी तरीके से होना चाहिए। इसे डिप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और बस स्प्रेड करके भी खा सकते हैं। लेकिन मैं इसमें अभी कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, इसको और हेल्दी बना के खाएँगे। तो मैं इसमें अब ये सब चीज़ें डाल रही हूँ। यहाँ मैंने क्यूकम्बर को अच्छे से चॉप कर लिया है और टमेटो है जिसका मैंने बीन्स निकाल दिया है, साथ में ऑलिव है कटे हुए, ब्लैक ऑलिव्स है और थोड़ा सा कैरेट है, साथ में पुदीना जाएगा। पुदीना को हम हाथ से तोड़ के डाल सकते हैं, मैंने चॉप नहीं किया क्योंकि वो जल्दी से काला हो जाता है। तो बस इसको इसी तरह हाथ में लेंगे और हाथों से ही तोड़ के ऐड कर लेंगे। आप चाहिए तो इसमें ज़ातर भी ऐड कर सकते हैं और ग्रीन ऑलिव भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मुझे ये सब वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छे लगते तो मैं यही ऐड करूँगी। बस ये डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बना के आप 1 हफ्ता 10 दिन तक रख सकते हैं फ्रिज में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसे बच्चे भी बहुत ही शौक से खाते हैं। आप इसे पीटा ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, खुबुस पे लगा के खा सकते हैं, या अपनी घर की चपाती रोटी पे भी लगा के खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई करना। मेरी बेटी तो स्कूल में भी ली जाती है इसे, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खुबुस पे लगा के ली जाती है। वर्किंग लेडीज़ भी बना के रख सकते हैं, बहुत ही आसानी होंगी उनके लिए भी। आपने देखा आधा किलो से कितना ज़्यादा बन गया। अब नाश्ता होने के बाद मैं तो अपनी लंच की तैयारी में लग गई थी। बच्चे खेल रहे थे, कुछ पेंटिंग बना रहे थे। बच्चों को पेंटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है, कोई भी बच्चा हो पेंटिंग करना बहुत ही पसंद करता है। बचपन से उनके हाथ में बस कलर दे दो वो लोग खुश हो जाते। मेरी सिस्टर को भी आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, रेजिन आर्ट, इन सब का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से वो बनाती है। मैं कुछ फ़ोटोज़ और इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रही हूँ उसका, आप ज़रूर फॉलो करना उसको इंस्टाग्राम पे। आपको अगर पसंद आए तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बस उसे DM कर दीजिए। कस्टमाइज किचन, पेंटिंग, जो भी आपको पसंद आए आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये सब कुछ हैंडमेड है, देखिए कितनी बारीकी से, कितने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। मेरी सिस्टर इंडिया में रहती है तो जो भी इंडिया से है वो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आज लंच में मैंने दाल चावल और प्रॉन्स करी बनाई थी जो मैंने शूट नहीं किया है। तो अब मैं आपसे डिनर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो डिनर में हम बनाएंगे फ़िश एंड चिप्स। तो इसके लिए यहाँ मैंने ये फ्रोज़न फ़िश लिए है, वाइट फ़िश है जो कि बोनलेस है, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको मैंने डीप फ्रीज से निकाल के रख दिया था, ये नॉर्मल हो गई है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, तो इसको ज़रा सा थोड़ा सा धो के इसको अच्छे से टिश्यू से या कपड़े से अच्छे से वाइप करेंगे, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फ्रोज़न होती है तो ऑलरेडी उसमें बहुत पानी होता है। अब यहाँ मैं फ़िश के लिए बैटर रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ मैंने 1/2 कप मैदा लिया है और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर लिया है। साथ में इसके साथ में जाएगा 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। साथ में जाएगा 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर।
और उसके साथ डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इन सबको डाल के इसमें थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक थिक बैटर रेडी करना है हमको। आप इसमें ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, गर्म पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है हमें। अब इसमें मैं डालूँगी हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। ये डाल के मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और ये आपका बैटर रेडी हो गया है। बस इतना ही थिक होना चाहिए। ये देखिए मैंने फ़िश के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए थे, इस तरीके से कट करने हैं और इसको डीप फ्राई करना है। जब तक कि इस पर एक अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है हमें इसे फ्राई करना है, और जल्दी चमचा नहीं चलाना है इसमें। थोड़ी देर पकने के बाद हम इसे टर्न करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, आप चाहिए तो इसके बड़े पीसेस भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं पोटैटो वेजेस बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने इस तरीके से मोटा मोटा आलू कट कर लिया है। सब में पहले हम इसमें नमक डालेंगे और इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टीस्पून मैदा डालेंगे, साथ में 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर और 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर डालेंगे। ये डाल के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस एक हल्का सा कोट चाहिए हमें इसमें, वेजेस पे जैसा रहता है उसी तरीके से इसको मिक्स करके इसको भी डीप फ्राई करेंगे। मैंने पहले वेजेस फ्राई किए हुए थे, उसके बाद ही मैंने फ़िश फ्राई की थी, क्योंकि अगर फ़िश फ्राई करने के बाद तेल में एक थोड़ी स्मेल आ जाती है, इसलिए पहले वेजेस फ्राई करेंगे। मैंने ये पहले फ्राई किए थे तो इस तरीके से डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल हल्के मसालों के साथ। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, फ़िश भी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। इसे आप दावतों में स्टार्टर के लिए भी बना सकते हैं। मैं तो डिनर में खा रही हूँ, इसके साथ कोई सैंडविच रख ले या तो फिर सैलेड, बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।